Hi, guys, welcome to electricity market in India. Hope all of you are doing good, and uh, we are back with a new informative uh, uh, presentation today. More like I would speak on this subject. So, today we will topic which is a lot of requests on uh, suggestion box to explain, and that is called uh, DV DSM, which is Deviation Settlement Mechanism. So, uh, DSM topic. Uh, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस रीज़न इज कि आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो सोलर प्रोजेक्ट हो थर्मल प्रोजेक्ट हो विंड हो हाइड्रो हो uh, या प्राइवेट कॉरपोरेट के पी पी एज हों कैसे भी ये चीज़ सब पे लागू होती है और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी वजह से कई प्लांट्स लॉसेज में चले जाते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है नेशनल ग्रिड को सपोर्ट करने का सो so, यूट्यूब uh, में बहुत चैनल्स हैं जो आपको बताएंगे सोलर प्रोजेक्ट लगाओ ये लगाओ ये पैनल लगाओ ये फलाना इन्वर्टर लगाओ आपका प्लांट लग जाएगा सब कुछ हो जाएगा बट उसके बाद की बात बहुत कम लोग करते हैं कि एक बार प्लांट लग जाने के बाद उस पावर को भी तो हमको डिस्पैच करना होता है उसको शेड्यूल करना होता है उसके डे उसके अनशेड्यूल अगर वो पावर सही से शेड्यूल नहीं होगी तो उस पर भारी पेनल्टीज लगती है फ्रॉम uh, ग्रिड तो ये चीज़ कोई डिस्कस नहीं करता है आपको कोई इसके ऊपर टॉपिक मिलेगा भी नहीं यूट्यूब पे। तो ये चीज़ कई uh, लोग जानना चाहते थे मुझसे कि what इज़ कॉल्ड DSM, इसका क्या इम्पैक्ट होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं और uh, इससे कैसे बचा जा सकता है तो आज मैं छोटे से मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा बिकॉज फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बट मैं छोटे से मैं आप लोगों को समझाऊँगा व्हाट इज डी एस इज डिविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म सो लेट स्टार्ट दिस एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है एंड हेल्प द बेल नोटिफिकेशन उससे आप लोगों के पास जब भी मैं नया वीडियो लगाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड ऑल्सो uh, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पावर सेक्टर के कोर्सेस पावर मैनेजमेंट पे थर्मल पावर प्लांट ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियल मॉडलिंग ऑफ सोलर सारा अवेलेबल है इन यूडेमी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ऑलमोस्ट uh, हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो चुके हैं उसमें एंड विद वेरी गुड रेटिंग्स एंड अगर आप लोग इस सेक्टर में अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं सारा कुछ जानना चाहते हैं फॉर द फुल स्पेक्ट्रम तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये कोर्सेज कीजिए बिकॉज बिट्स एंड पीसेस में इस सेक्टर को समझना बहुत मुश्किल है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सेक्टर लॉट ऑफ रेगुलेशंस बने हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इनमें इतनी रेगुलेशंस हैं जो पावर सेक्टर में जो भी उतरता है उसको वो सब जानना चाहिए तभी आप एक कंप्लीट पावर सेक्टर प्रोफेशनल बनेंगे वरना सिर्फ आधा अधूरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगा लिया यहाँ पे कुछ कर लिया वहाँ पे कुछ कर लिया करने से आपका कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा इनफैक्ट आफ्टर वर्किंग ट्वेल्व ईयर्स इन दिस सेक्टर मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा नॉलेज लेवल इज ओनली फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट बिकॉज दिस इज सच ए बिग सेक्टर पावर सेक्टर इज अ वेरी वास्ट सेक्टर इसको

डीएसएम समझने से पहले सबसे पहली चीज समझते हैं कि शेड्यूल uh, क्या होता है इन एनी पावर प्लांट व्हाट इज कॉल्ड शेड्यूल्ड सो देयर आर टू कंसेप्ट वन इज़ योर एक्चुअल शेड्यूल एंड व्हाट एंड जो हो गया कि अपने एक एक कंसेप्ट हो गया कि व्हाट व्हाट पावर आई है शेड्यूल्ड मतलब कल को मेरा जो पावर प्लांट है बात कर सोचते हैं अगर ये थर्मल हो या सोलर कोई भी आप पकड़ लीजिए आपका जो भी पावर प्लांट का एक्सपीरियंस हो जो मेरा पावर प्लांट है वो कल के लिए आज आज बता देता है कि मैं कल को इतना पावर शेड्यूल करूंगा सो इफ माई माई प्लांट इज़ ए थर्मल पावर प्लांट तो वो हंड्रेड मेगावाट मतलब हंड्रेड ही जनरेट करता है बिकॉज उसकी जो टर्बाइन गवर्निंग सिस्टम होती है वो एग्जैक्ट उसी लोड पे चलती है तो मैं अगर एक पावर प्लांट ओनर हूं मैंने कल को बता दिया कि मैं हंड्रेड मेगावाट जनरेट करूंगा सुबह के पाँच बजे से लेकर रात के दस बजे तक तो ये हो गया मेरा शेड्यूल ओके एंड द सेकेंड कंसेप्ट इज एक्चुअल जनरेशन मतलब मैंने सही में कितना जनरेट किया तो वो तो मैंने डे हेड जो हमारे इंडिया में जितने एस एल डी सीज हैं वो सारे अपने स्टेट के जो जनरेटिंग स्टेशन हैं उनसे शेड्यूल ले, ले लेते हैं कल की और उसके बेसिस पे उनको पैसे मिलते हैं पैसे कैसे मिलते हैं अगर मैं थर्मल पावर प्लांट हूँ मेरा पी है सपोज़ तीन रुपये पे और मेरे को हर रोज़ हंड्रेड मेगावाट जनरेट करना है और मैंने कल के लिए हंड्रेड मेगावाट का शेड्यूल लगा दिया और एक्चुअल में मैंने आ, आ, भल, पता चला नब्बे मेगावाट जनरेट किया या एक सौ दस मेगावॉट जनरेट किया बट मेरी जो पेमेंट आएगी आगे से जो मेरा बायर है पावर का वो मेरे को हंड्रेड मेगावाट के बेसिस पे ही पेमेंट करेगा सो दिस इज़ कॉल्ड शेड्यूलिंग ऑफ पावर फॉर सोलर एंड विंड जिसमें बताना बहुत मुश्किल होता है कि मैं एग्जैक्टली exactly कितना जनरेट करूंगा बिकॉज सोलर और विंड तो हवा के ऊपर और सूर, आ, सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसमें उतना कंट्रोल इंसान के पास है नहीं कि वो एग्जैक्ट बता पाए कि वो कितना शेड्यूल करेगा तो उसमें गवर्नमेंट ने 15 परसेंट का डिविएशन अलाउ कर रखा है मतलब अगर आपका 100 मेगावाट का प्लांट है तो आप 115 तक अगर आपने 100 मेगावाट शेड्यूल किया 100 मेगावाट के प्लांट पे तो आप 115 पे जा सकते हैं और नीचे 85 तक आ सकते हैं आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम बाद में आते हैं कि प्रॉब्लम क्या होता है सो so, पहली बात होगी शेड्यूलिंग ऑफ पावर तो मैंने एक दिन पहले अगले दिन का शेड्यूल लोड डिस्पैच सेंटर के पास भेज दिया एस के पास एस एल उन सारे शेड्यूल्स को इंडिया के स्टेट्स को कंबाइन करके आर को भेजता है जो कि हमारे इंडिया में पांच आर एल डी सीज हैं रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर कल को ये, ये फलाना पावर प्लांट इतना पावर जनरेट करेगा अब आ जाते हैं हम एक्चुअल जनरेशन में तो एक तो शेड्यूल चला गया अब आ गया एक्चुअल जनरेशन अगले दिन जो मीटर लगे हैं पावर प्लांट्स में उसमें कंटिन्यूस नोट होता रहता है कि मैंने इस पावर प्लांट ने कितना जनरेट किया कितना जनरेट किया तो पता चला किसी थर्मल पावर प्लांट ने 100 मेगावॉट की शेड्यूल लगाई थी बट उसने सिर्फ 95 मेगावाट मेगावॉट जनरेट किया तो ये जो पांच मेगावॉट है ये डेफिसिट में चला गया मतलब इस पावर प्लांट ने सौ का शेड्यूल लगाया बट 95 जनरेट किया पांच मेगावाट में ये डेफिसिट था और कुछ पावर प्लांट ऐसे भी हैं जो सौ शेड्यूल किए बट एक में चले चले हाइड्रो हो सकता है हाइड्रो में कंट्रोल उतना नहीं रहता है ज्यादा चल गया तो 105 पे चल गया तो मतलब इसने पाँच मेगावॉट सरप्लस बना दिया अब इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है जो जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंट्री दैट इज 50 हर्ट्स ये याद रखिएगा 50 हर्ड्स इंडिया की फ्रीक्वेंसी है पूरे इंडिया में लद्दाख जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी है फिफ्टी हर्ट्स अब फ्रीक्वेंसी कैसे स्टेबल रहता है जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों एकदम बराबर की हो तो 50 हर्ट्स मेंटेन रहता है अगर डिमांड पावर की बढ़ जाएगी और सप्लाई कम रहेगी तो आपका फ्रीक्वेंसी गिर जाएगा और अगर सप्लाई ज़्यादा रहेगी और डिमांड कम रहेगा तो आपका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट से ऊपर की तरफ चला जाएगा 50 से 51 की तरफ चला जाएगा और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है बट पावर नहीं दे पा रहे हैं लोड बहुत ज़्यादा है तो आपका फ्रीक्वेंसी 50 से नीचे गिरते हुए 49, 48 तक आ सकता है तो आज़ादी के कुछ शुरू के डेकेट्स में जब इतना ज़्यादा बैलेंसिंग नहीं था तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी 48, 49 फोर्टी में चलती थी इसीलिए हम लोगों के बल्ब ट्यूबलाइट्स कभी डिम हो जाते थे फिर मोटर्स ख़राब हो जाते थे अब ऐसा नहीं है अभी मोरनलेस इंडिया 160 सिक्सटी गीगा पर स्टेबल है लोड एंड सप्लाई सो तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी की बात 50 हर्ट्स तो हमने देखा कि जितना शेड्यूल जितना लोड आ, हमने हमको चाहिए अगर उतना ही पावर जनरेट होता है तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहती है बट अगर मैं शेड्यूल करूंगा 100 मेगावाट और दूंगा 90 मेगावाट और ऐसा अगर इंडिया के हर पावर प्लांट्स ने किया तो इसका मतलब क्या हुआ इंडिया की ज़रूरत 160 गीगावाट की है बट एक्चुअल में जनरेट हो गया दस कम मतलब वन गीगावाट राइट तो, तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा बिकॉज मेरा लोड ज़्यादा है पावर नहीं आ पा रहा है तो उस टाइम में, में मेरा फ्रीक्वेंसी चला जाएगा सपोज 49 नाइन और सिमिलरली मैं सारे पावर प्लांट्स ने शेड्यूल किया कि मैं 100 मेगावाट दूंगा बट 105 दे दिया मतलब ज़्यादा सप्लाई कर दी ग्रिड को उतनी जरूरत नहीं है तो मेरा फ्रीकवेंसी ऊपर की तरफ भाग जाएगा तो फिफ्टी वन हो जाएगा तो ये जो इम्बेलेंस है इसको ग्रिड कोड से सॉल्व करते हैं तो ग्रिड क्या बोलता है कि नहीं आपने जो शेड्यूल किया है आपको एक्चुअल जनरेशन भी उतना ही करना है अगर आप थर्मल हैं हाइड्रो हैं या और किसी भी टाइप के प्लांट हैं लाइक ऑयल एंड गैस एंड ऑल एंड अगर आप विंड एंड सोलर हैं तो आपको सिर्फ पंद्रह परसेंट का हम एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं कि आप ज़्यादा ऊपर चले जाओ ज़्यादा नीचे आ जाओ लेकिन अगर आपने अपने शेड्यूल से आप डिविएट कर गए मतलब आपने सौ वो लगाया लेकिन आप एक चले गए या नाइन्टी आ गए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी वो पेनल्टी कितनी लगेगी वो डिपेंड करता है उस टाइम में इंडिया का फ्रीक्वेंसी कितना था या मोर स्पेसिफिकली उस टाइम में उस रीजन का फ्रीक्वेंसी कितना था तो थोड़ा सा हम इसको बोर्ड में समझते हैं सॉरी सो इफ फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज और आपने शेड्यूल किया ंड्रेड मेगावाट बट एक्चुअल में जनरेट किया नाइनटी फाइव मेगावॉट तो उस पंद्रह मिनट टाइम ब्लॉक का फ्रीक्वेंसी देखा जाएगा और ये कौन देखता है फ्रीक्वेंसी रीजनल पावर कमेटी आर हर रीजन की जैसे पांच रीजन मैंने बताए वहां पे एक एक आरपीसी होती है रीजनल पावर कमेटी जो हर क्वार्टरली चेक करती है कि एक्स वाई जेड जो भी पावर प्लांट्स हैं उसने कितना शेड्यूल किया था और कितना एक्चुअल में जनरेट किया सपोज़ आपने शेड्यूल किया था 100 मेगावाट आपने जनरेट किया 95 मेगावाट तो आपका जो डेफिसिट है वो हो गया 5 मेगावाट 100 माइनस नाइन्टी फाइव इज फाइव मेगावाट और उस टाइम में फ्रीक्वेंसी देखा जाएगा कि 50 मेगावाट हर्ड्स था कि सपोज उस टाइम में 50.1 था या सपोज 49.9 था तो वो जो फिफ्टी पॉइंट वन था वो पॉइंट की एक पेनल्टी की जाती है कि उस में दो का पेनल्टी था, रुपीज रुपीज थ्री, रुपीज फोर, अपने जितने एक्स्ट्रा किया, वो आपकी बन जाएगी पेनल्टी सो so, मोटा मोटी जो समझने वाली चीज है कि मैं जितना शेड्यूल करूंगा और जितना जनरेट करूंगा उसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज माई डेफिसिट और सरप्लस अगर मैंने सपोज हंड्रेड मेगावॉट शेड्यूल किया बट मैंने हंड्रेड फाइव जनरेट किया तो मैंने पाँच मेगावॉट एक्स्ट्रा जनरेट कर दिया तो उस टाइम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक रेट निकाला जाता है जिसको डी रेट बोलते हैं और ये रेट निकालती है रीजनल पावर कमेटी जो आपकी आर होती हैं तो आपको आपने जितना एक्सेस जनरेट किया मल्टीप्लाइड किया जाएगा उस टाइम का जो रेट चल रहा है और वो पैसा आपको अकाउंट में दे दिया जाएगा नाउ मैं आपको आ, अपने इस प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ एक लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें आपको गवर्नमेंट का 2014 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा डी एस एम का उसके बाद उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं बट मैं उतना डिटेल्स इसमें जा नहीं रहा हूँ जैसे साइन चेंज का कंसेप्ट है कि आपको हर छठवें मिनट में अपना साइन चेंज करना होता है ताकि गेमिंग ना हो इसमें बहुत सारा गेमिंग भी हुआ था जब वो शुरू में लॉन्च हुआ था कई लोग लगातार Uh, ज़्यादा शेड्यूल करते थे और पेमेंट मिलता था और उस टाइम में फ्रीक्वेंसी भी कम रहती थी तो उनको उसका भी एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता था बट एक्चुअल में जनरेट कम करते थे सो so, उन सबको अब दूर कर दिया गया है इंडियन सिस्टम इज़ नाउ वेरी मच रोबस्ट और उसमें अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज का जो परसेंटेज है वो पहले जो दस परसेंट हुआ करता था से दस साल पहले में, वो कम होते 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 अब सिर्फ टोटल पावर जनरेशन का सिर्फ वन या टू परसेंट रह गया है सो नाउ इंडिया इज अ वेरी रोबस्ट एंड बैलेंस्ड ग्रिड सो आई गेस आप लोगों को समझ में आया कि बेसिकली डीएसएम क्या होता है डीएसएम इज डिफरेंस ऑफ एक्चुअल शेड्यूल माइनस एक्चुअल जनरेशन मल्टीप्लाइड बाई उस टाइम का क्या फ्रीक्वेंसी चल रहा था और उस फ्रीक्वेंसी के लिए रीजनल पावर कमिटी ने कितना रेट डिफाइन किया था एक रुपये दो रुपये तीन रुपये चार रुपए जो भी है वो आप रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखा हुआ है कितना रेट रहता है वो जो वैल्यू निकलती है पैसे की वो होती है डीएसएम नाउ ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज Uh, आपने सपोज पावर प्लांट लगा लिया आपने कुसुम में जो योजना में लगाया या आपने कहीं पे भी लगाया अपने कॉर्पोरेट पीपीए के लिए लगाया अपने गवर्नमेंट पीपीए के लिए 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया अगर आप डीएसएम को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपने जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान आएगा और ये होता भी है बहुत सारे पावर प्लांट्स को बहुत नुकसान हुए हैं ना हो इसलिए धीरे धीरे फोरकास्टिंग शेड्यूलिंग को इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि जो अपने इंडिया के पावर प्लांट्स हैं वो एकदम ग्रिड डिसिप्लिन के साथ चलें सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन इन केस यू हैव एनी मोर डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस गिव मी थम्स अप शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड 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 डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इनकेस आप लोग अपना करियर इसेक्टिव बनाना चाहते हैं डू दिस कोर्सेज जो मैंने आपको लिंक भेजे हैं एंड इट विल हेल्प यू अलॉट एंड उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मटीरियल मैंने डाले हैं कोर्सेज में विच इज़ नॉट देयर इन द यूट्यूब सो आई होप यू विल लाइक दिस ओके सी यू है बाय